तेलंगाना की संस्कृति का भी वो अपमान कर रहे हैं। तो ये जनता के जनमानस तक ये बात पहुंची है, और जो फैमिली ओरिएंटेड केवल ये गवर्नमेंट चलती है, करप्शन का माहौल है, ऐसे में तेलंगाना की जनता परिवर्तन की दिशा में चल रही है। तब हम इस क्षेत्र में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरी ताकत के साथ मैदान में लेकर जाएंगे और जन जन तक इस सरकार की जो खामियां है उसे जनता तक पहुंचाएंगे, और हमारी भारत सरकार की हर खूबी हम जनता तक पहुंचाएंगे, और आने वाले समय में इस तेलंगाना के स्टेट में डबल इंजन की सरकार कैसे स्थापित हो उस दिशा में हम काम करें। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ईमानदार गवर्नमेंट, और मैं तो ये बोलता हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसे इतना क्लियर मेजोरिटी के साथ मैंडेट मिला। 2014 में 30 साल के बाद मैंडेट मिला था, और 14 से 19 जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा, एक तरीके से ये परफॉर्मेंस को देखकर पहले से भी ज़्यादा मैंडेट लेकर ये सरकार काम कर रही है। जब ये सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, हर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म करके परफॉर्म करने वाली गवर्नमेंट जब काम कर रही है, तब कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर इश्यू बना के जो नॉन इश्यू है, कोर्ट ने भी बोला कि इश्यू नहीं है, ऐसे इश्यू को लेकर सरकार को बदनाम कर